ओम शांति। आज 31 दिसंबर 1994 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। मुरली का विषय है नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज नवयुग रचयिता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं। तो नवयुग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से दिल की दुआओं सहित नव युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? अपना नव युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना? आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किसके किस पर करेंगे? अपने ऊपर। अपने नव युग की ड्रेस सामने दिखाई देती है? बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे। तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना? अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसकी आंख टेढ़ी होगी, किसके ऊंट ऐसे होंगे। नवयुग में सब नंबर वन, हर कर्मेंद्री एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना? बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि, श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है तो मुखड़ा भी मीठा है। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है, और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना? कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नव वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। है ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करते हैं ना? उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं। दूसरे को भी उसी स्वरूप से देखो, फलानी है, फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक हो। चाहे कोई कैसा भी हो,
लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। इसको स्पष्ट करेंगे, दृष्टि से सृष्टि कैसे बदलती है और दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। अब कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने संकल्प किया तो नई सृष्टि बना दी। जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा ही उसका प्रभाव आता है। तो बाबा कहते हैं अगर आपकी मनोवृत्ति कहो दृष्टि कहो पावरफुल है जो सारी सृष्टि को बदल देती है और बदलती भी है, सृष्टि बदलती है तो बाबा किसके द्वारा बदलाता है? अपने बच्चों के द्वारा। तो फिर अगर ये बदल सकती है सारी सृष्टि जिसमें तमोगुण ही तमोगुण है, तो कोई तमोगुण वाली आत्मा आपके सामने आती है उसको क्यों नहीं आप बदल सकते? ये बाबा का। अगर स्व परिवर्तक भी नहीं हाँ। तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है शरीर चला जाए लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, ना सुनेंगे ना बोलेंगे ना देखेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना? थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता, कोई कुत्ता बन जाता। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो? जिस समय किससे डिस्कस करते हो उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, उस समय क्या हो? मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। नए वर्ष में ये बात आप एक्सप्लेन करेंगे कि एक बाबा इतना महत्व किसी की भी कमजोरी को ना देखो ना सुनो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने तो परिवर्तन लाना है। हाँ। तो परिवर्तन लाने वाला तो परिवर्तन करता है ना, उसकी कारण थोड़ी देखता। अब मान लो एक आग बुझाने वाला जाता, आग लगी हुई है, उसका काम क्या है? सीधे आग को बुझाना। अगर वो खड़ा हो जाए पूछे किसने आग लगाई, क्यों लगाई, तो मूर्ख थे क्या ये ऐसे छोड़ दिया खुला? तो बाबा कहते हो कमज़ोरी कमी देख रहे हैं ना, तो तुम्हारा वो टाइम जा रहा है, आग तो बढ़ती जा रही है। इसलिए जो काम करना है हमारा काम है विश्व परिवर्तक, तो परिवर्तन के काम में लग जाओ। तो अगर ये देखने में लग जाओगे तो वो तो तब तक नुकसान हो जाएगा ना। मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना क्योंकि समय तो समीप लाना भी है, आना भी है, लाना भी। नए वर्ष में एक तो बधाइयाँ देते हो, दूसरा गिफ्ट देते हो। तो उस नए वर्ष में सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। अगर अपनी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से दृष्टि से अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी
किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन ही गिफ्ट देना है, नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। गिफ्ट से कोई मालामाल नहीं हो जाते हैं, लेकिन स्नेह से मालामाल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना, अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। हाँ, अगर आपको, पढ़िए इसको, आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। तो हे विश्व परिवर्तक, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। क्योंकि सारी नेगेटिव दुनिया को पॉजिटिव दुनिया बनाते हैं, तो स्वयं को भी नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, तो अन्य किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बना सकते क्या? कैसे बनाएगा? देखिए, जैसे हम अपने को बना रहे हैं, समझते हैं ना कि नेगेटिव दुख देने वाला है। तो बाबा ने कहा भी है कि दो बातें कही हैं कि मीठा बोल और कोई गुण, ये दो, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर है, उसको भरो। ठीक है, अब सारे विश्व को भी करते हैं, तो विश्व और मेरे बीच में जो कुछ भी है वो भी तो उसी तरह से परिवर्तित होगा ना। जब बाबा कहता वनस्पति को, पेड़ पौधों को, पशुओं को तुम सतयुगी बना देते हो, सतोगुणी, तो उस वक़्त ये ध्यान भूल जाता, उसकी कमज़ोरी देखनी शुरू कर देते। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं, कौन सी? कि मैं और मेरा ये परेशान कर देता। जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन? मैं आत्मा। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो? क्योंकि देह भान वाला मैं तो टेम्पररी है। शरीर तो मेरा कहते हो ना, तो मैं शब्द और ये स्मृति और समर्थी दिलाने वाला शब्द है। क्या शानदार, गिराने वाला नहीं। कि शरीर को तो मेरा ही कहते हो ना, तो फिर मैं शरीर कैसे कहते हो? मैं जब कहते हो और ही पक्का हो जाओगे। तो परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तक पक्के होना, तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ, और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन, पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहां बाप होगा वहां देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। विश्व परिवर्तक है ये पक्का याद है ना, तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। जब मैं आत्मा सोचेंगे तो हर कर्म या बोल में भाव भी बदल जाएगा, भावना भी बदल जाएगी। क्योंकि भाव और भावना ही धोखा भी देती है तो सुख भी देती है। आप एग्जाम्पल देखिए स्पष्ट कर। यानी जब बाबा ने दो शब्द लिए मैं और मेरा, तो जब मैं अपने को दे मानूं तो भाव भावना बदल जाएगी। हालांकि मैं कहता हूँ मेरा शरीर, तो बाबा कहते हैं इसलिए जब मैं कहो तो दे नहीं मानो, आत्मा मानो। दूसरा बाबा कहता है मेरा, तो हमने क्या किया, मेरे को तो मैं कर दिया। अब असली मेरा क्या है? मेरा बाबा है।
तो बाबा ने कहा पहले मेरा बाबा कहो, फिर बाकी मेरा मेरा कहोगे तो गिरोगे नहीं। तो मैं और मेरे के भाव और भावना चेंज करने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। भाव क्या और भावना क्या? यानी भाव से ही भावना पैदा। हम कहते हैं ना, मेरा ये भाव नहीं था, मैंने आपको गुस्सा कर दिया, मेरा ये भाव नहीं था, ठीक है। और अगर भावना होगी किसी के अंदर तो गुस्सा करेंगे नहीं, तो भाव से ही भावना निकलती है। तो नया वर्ष अर्थात नवीनता लाना। हाँ। नवीनता सभी को प्रिय लगती है ना। हर बात में नवीनता हो, संकल्प भी नया हो, रमणीकता से पुरुषार्थ करो। कभी कभी कोई कोई बच्चे बहुत युद्ध करते हैं। आवश्यकता नहीं है लेकिन करते हैं, क्यों? अपनी कमजोरी के कारण। बड़े खुश होते हैं कि हम युद्ध कर रहे हैं, जीत रहे हैं। बाबा कहते हैं आवश्यकता ही नहीं युद्ध की। तो मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ भी मौज मौज से करो। करना भी क्या है, याद कोई ना कोई तो रहता ही है। कोई नई बात तो है नहीं, किसी को तो याद करना ही है। तो जो मतलब की बात है उसको याद करो। जब याद करना ही है तो क्यों नहीं किससे फायदा है, प्राप्ति है उसको करें, जिससे नुकसान है उसको क्यों करें। बाबा ने याद को भी सिंपलीफाई कर दिया कि दुनिया में याद तो किसी न किसी को करते ही हैं, उसको करो जिससे कुछ फायदा है, प्राप्ति है, जिससे नुकसान है उसको ना करो। बस मेरा बाबा, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। लेकिन एक होता है मुख से कहना मेरा बाबा, एक होता है दिल से लग जाए मेरा बाबा। जो दिल से मेरा मान लेते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। जाने वाले को भी याद करते हैं, पता भी है जाने वाला आना नहीं है, फिर भी मेरा है तो याद आता है। मेरे को तो इतने पक्के याद होता है, जो शरीर छोड़ रहा पता है इसने बाबा, उसको भी याद करते क्योंकि मेरा। तो जब दिल से मान लिया मेरा बाबा, इससे बड़ी बात और है ही क्या। तो जो कॉमन शब्द बोलते हो उसे ही उड़ती कला का साधन बना लो, मैं और मेरा। पुरुषार्थ भी रमणीक करो, हर रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो कि ज्योति बिंदु भी कौन है। रोज सर्व प्राप्तियों में से कोई ना कोई प्राप्ति को याद करो। तो रोज एक नया टाइटल परिवर्तन करो। आज नूरे रतन है, कल मस्तक मणि है, कितना अच्छा लगेगा। और हर रोज वैरायटी प्राप्तियों को सामने रखो। बाप ने क्या दिया क्या मिला, तो जब अविनाशी प्राप्ति सामने रहेगी तो प्राप्ति से खुशी होती है ना। अगर मानो किसी को बहुत दर्द हो रहा है और कोई ऐसी प्राप्ति की सूचना आ जाए, ये बाबा ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, 1 करोड़ लॉटरी में आ गए तो दर्द याद रहेगा कि लॉटरी याद आएगी। तो ये वर्ष कौन सा वर्ष होगा, मौज का वर्ष। फरिश्ता स्वरूप, फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले, जहाँ देखो वहाँ फरिश्ता ही फरिश्ता। कोई फरिश्ता उड़ रहा है, कोई संदेश दे रहा है, कोई नीचे धरनी पर आकर कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहा है, ऐसे दिखाई दे, सृष्टि बदल जाए। जहाँ भी देखो फरिश्तों की दुनिया, दृष्टि परिवर्तन और वृत्ति परिवर्तन। अच्छा, बाप दादा का एक संकल्प अभी बच्चों ने पूरा नहीं किया है। बाप दादा बार बार इशारा देते हैं, वर्तमान समय क्वांटिटी तो बढ़ाते जाते हो लेकिन क्वालिटी अर्थात वारिस लिस्ट में तो आ जाता है। इतने बढ़ गए, प्राइस भी ले ली। अभी बहुत समय से वारिस क्वालिटी बहुत कम निकलती है, संपर्क वाले बढ़ रहे हैं। अब वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष करो, इसके ऊपर भी अंडरलाइन करो।
क्वांटिटी बढ़ती जाती है। बाबा कहते क्वांटिटी तो नेचुरली बढ़ती जाएगी, लेकिन क्वालिटी की तरफ ध्यान करो। तो बाबा कहते हैं अभी ज्ञान सरोवर का स्थान भी मिला है, इसलिए इस वर्ष में ऐसा देश विदेश दोनों मिलकर दोनों की राय से, दोनों के प्लान से, दोनों के हांजी से, दोनों की समानता से ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विदेश वाले भी कहें हाँ हमारे योग्य हैं, देश वाले भी कहें हमारे योग्य हैं, विदेश की भी विधि और देश की विधि दोनों विधि को सम्मिलित करके एक दो को आगे रखकर देश विदेश को आगे रखें, विदेश देश को आगे रखें, ऐसा अच्छा प्रोग्राम बनाओ जो कोई एक देश भी वंचित न रह जाए। बाबा कहते हैं ऐसा बनाओ हर देश का एक एक रिप्रेजेंटेटिव तो कम से कम आए। बाप दादा इस वर्ष देश विदेश की विधि का मिला हुआ प्रोग्राम चाहते हैं। विदेश वाले भी पीछे नहीं हटे और देश वाले भी पीछे नहीं हटे। विचार भी तो मिलाने हैं ना, एक दो को कहो पहले आप। प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बन कर दो, जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। बालक क्या करता है, हाँ जी, और मालिक क्या कहता है, नहीं ऐसा करो। तो बालक और मालिक। तो नया वर्ष मना लिया, मनाना अर्थात बनना और बनाना, यही मनाना है, न कि सिर्फ डांस कर लिया तो मनाया। वो भी करो, डांस भी बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन मन की भी डांस करो। बाप दादा सब गीत भी सुनते हैं, डांस भी देखते हैं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते। क्यों? देखो कोई भी प्रोग्राम आप करते हो तो पहले गीत में बाप को याद करते हो ना। जब बाप को याद करेंगे तो आना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। जब प्रोग्राम करते हो तो बाप दादा को भी अच्छा लगता है। बाबा ने ये भी बताया कि क्यों कि मुझे इसमें आना पड़ता है आपका, क्योंकि आप मुझे इनवाइट करते हो। फिर 12 बजे रात को बाबा ने, भाई बहनों ने खूब गीत गाए, बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सभी बच्चों को नए वर्ष की पदम 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 गुणा मुबारक हो। इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि सदा खुश रहेंगे और सभी को दिल खुश मिठाई बांटेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कोई आपको दुख देने की बातें भी करे लेकिन हम सदा सुख देंगे, सुख लेंगे। इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ नए वर्ष को आरंभ किया। यानी बड़ी सूक्ष्म बात है कि दूसरा आपको दुख देने की करे, मेरा स्लोगन है मैंने सुख देना सुख लेना, उसे बदला नहीं लेना कि वो दुख देता तो मैं उसको और ज़्यादा दुख दूँ। ये देवतापन की धारणा है। तो पुरानी बातों को, पुरानी दुनिया की बातों को विदाई दी, वापस तो नहीं लेंगे। सदा विदाई की बधाइयाँ हो, मुबारक हो। अच्छा, तो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को कहा कि किस रीति से तुम बच्चों ने आपस में एक दूसरे को, जो देश और विदेश की बात कही है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात कही है, पहले आप की बात कही है, संस्कार मिलाने की बात कही है, और इस मुरली के पश्चात एक कार्यक्रम बनाया भी गया था जिसको कॉल ऑफ टाइम कहते हैं, और वो कॉल ऑफ टाइम में देश और विदेश के VIPs आए थे, बहुत थोड़ी संख्या थी लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल रहा था, जो आज दिन तक भी वो चल रहा है, 23 वर्ष से चल रहा है, चल रहा है। लेकिन जो जो बाबा ने कहा है कि भारत वाले और विदेश वाले मिलकर
करो तो आजकल के समय में पिछले 2 वर्ष से बाबा ने एक मुरली में कहा था कि भारत वाले प्लान भी अच्छा बनाते हैं और उसको संपन्न भी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि भारत में साधन है। और किसी देशों में चले जाओगे तो आपको इतना इजीली कि बहुत बड़ा हॉल मिल जाए, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मिल जाए, उनकी सीमाएं हैं। तो भारत में तो सब साधन संपन्न है और दिल्ली तो भगवान ने वरदान दिया हुआ है, ये राजधानी रही है। तो दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल प्रोग्राम जिसमें सभी देशों के लोग आमंत्रित थे, उसके लिए बाबा ने कहा तो तब था, लेकिन सारी सामग्री सारे साधन बाबा ने बनवा के दिए। दिल्ली के बाहर जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर बनवाया, उसमें आप देखिए कि हज़ारों की संख्या में लोग रह सकते हैं सुविधापूर्वक। पहले हमने एक प्रोग्राम भारत का किया था तो जगह जगह गवर्नमेंट के फ्लैट लिए थे जो तैयार हो गए, अलॉटेड नहीं है, इतना विस्तार था। यहाँ एक ही जगह सारे विदेशी सभी देशों के इकट्ठे आ जाते थे, यहाँ इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे प्रोग्राम में जाते थे। फिर बाबा ने हमें बड़े बड़े हॉल गवर्नमेंट के दिलवाने शुरू कर दिए जो कि कभी मिलते नहीं थे प्राइवेट संस्थाओं को। तो वो बाबा ने जो कहा हुआ है कैसे देसी विदेशी मिल कर के काम कर रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, उनको फैमिली फीलिंग आ रही है, वो उसको सम्मान दे रहा है, वो उसको, विदेशियों की अपनी विशेषता होती है, भारत वालों की अपनी, दोनों को मिला करके दो पहले वर्ष किया बहुत सफल हुआ, दूसरे वर्ष किया उससे भी सफल हुआ, अब तीसरे वर्ष उसकी तैयारी थी, प्रिंटिंग भी हो गई थी, लेकिन ये लॉकडाउन हो गया तो उसको फिर हमने क्लोज भी कर दिया। बाबा कहते हैं समेटने की शक्ति भी आनी चाहिए, लेकिन बाबा के एक एक कहे हुए शब्द को बाबा ने पूरा करवाया। यही चीज़ अभी भी दिल्ली वालों ने की। हाँ। और आगे का समय तो हाँ। कैसा है? उससे संपर्क तो बन गए ना। हाँ। आज आप लॉकडाउन है फिर भी सारी वर्ल्ड के सारे भाई बहन उस प्रोग्राम यूनाइटेड है। यूनाइटेड है। ओम शांति।